तो भाई कैसे हो? खुश होना, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं 96 मूवी का सिनेमाटोग्राफी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स जो आपने मूवीज़ में मिस कर दिए हैं उसको आपके सामने ले आऊँगा। तो वीडियो होने वाली है बहुत मज़ेदार, वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो 96 के एंडिंग एक्सप्लेनेशन के ऊपर मैंने और एक वीडियो बना के रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो के, देख लो। वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देख लो। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने दो थियरीज पेश की थी कि राम और जानू का मिलन हो पाता है कि नहीं। और दोस्तों आपने भी बहुत सारी थियरीज पेश की, मूवी में बहुत सारी थियोरीज हैं। तो आपने एक डार्क थियरी भी पेश की जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक लड़के ने तो उसने कहा है कि यहाँ पर राम जानू से जब मिलने जाता है तो जानू को पता था कि राम मिलने आया है उसे, पर वो अब तब उससे नहीं मिलती है क्योंकि तब तक राम को वो भुला चुकी होती है। तो जब रियूनियन का टाइम होता है तो वो एग्री नहीं करती है कि वो राम को उसने देखा था, और एक अलग ही कहानी बनाकर राम को बोल देती है। मतलब राम को कभी प्यार नहीं करती थी, सिर्फ बोलती थी। तो इसको लेकर भी मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन करने वाला, तो वीडियो का लास्ट तक देखते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों मैं जिस सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, दोस्तों ये अच्छी अच्छी मूवीज़ में सब समय होती हैं, पर दोस्तों हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि फिल्म में उतना गौर तो कोई नहीं करता है ना। जो जो क्रिटिक्स होते हैं या फिल्म मेकर्स होते हैं या मेरे जैसे फिल्म फ्रिक्स, तो वो सब जो है इसमें गौर करते हैं। और दोस्तों जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें भी मैं पूरी सिनेमाटोग्राफी नहीं देखा है, मैं सिर्फ 50% ही देखा हूँ। और दोस्तों 50% जो मैं लिया हूँ थाई व्यू के एक फेसबुक पेज है और अभी उनके यूट्यूब चैनल भी है, तो आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप्स देते हैं, तो उनके माध्यम से ही मुझे यह पूरी सिनेमाटोग्राफी के बारे में पता चला है कि क्या क्या डिटेल्स है। तो उसको ही मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ अभी। तो चलिए पहले सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राम देख सकते हैं अपने गांव आया हुआ है और एक आदमी उसको पूछता है कि इतने सालों बाद यहाँ पर क्यों आए हो। तब उसका डायरेक्ट आंसर ना देते हुए स्कूल के ऊपर देखता है, वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दो पैरेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक पैरेट यहाँ पर कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ है और एक पैरेट जो है बार बार यहाँ से वहाँ घूम रहा है। जो कॉन्स्टेंटली बैठा हुआ वो राम है, और दोस्तों जहाँ जो इधर उधर हो रहा है वो जानू है। तो इस शॉट के ज़रिए से बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया गया है कि राम और जानू की ज़िंदगी कैसी है। सेकेंड, इस शॉट के बारे में बात करना चाहूँगा जहाँ पर स्कूल को एक जेल की तरह दिखाया गया है। देख सकते हैं बार्स हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर स्कूल को जेल की तरह दिखाया गया है जहाँ पर हमारे छोटे चाइल्डहुड के जो मेमोरीज होते हैं, स्कूल के जो मेमोरीज होते हैं वहाँ पर स्टोर हो जाती है। जब राम उसको गेट को खोल कर अंदर आता है तो वो अपनी मेमोरीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आप भी अगर स्कूल में जाएंगे तो आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे। दोस्तों ये और एक ब्रिलियंट शॉट है जहाँ पर आपको दिखाया है कि राम और जानू का मिलन नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पैरेलल लाइन को यहाँ पर खींचा गया है। पैरेलल लाइन क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। पैरेलल लाइन वो होती है जहाँ पर दोस्तों दो लाइन्स होती हैं जो कभी नहीं मिलती हैं, कभी नहीं। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर पैरेलल लाइन राम और जानू की ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सारे पैरेलल लाइन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छी तरह से शॉट किया गया फिल्म है, इसलिए हमको इतनी फिल्म अच्छी लगती है। दोस्तों ये एक और एक शॉट है जहाँ पर आपको स्कूल के फ़ोटो को देख सकते हैं और रियूनियन के टाइम देख सकते हैं कि राम जहाँ पर खड़ा हुआ है, राम के दाहिनी तरफ ही जानू खड़ी हुई है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि राम के दिलों में जानू बसती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये शॉट भी देख सकते हो जहाँ पर जानू राम को किताब दे रही है और पीछे बोर्ड में आपको एक हार्ट का जो है सिंबल देखने को मिलता है। तो ऐसे बताया गया है कि जानू के दिल में भी राम ही बसती है। जब राम जानू को मिस करती है तो राम जानू के सीट पे जाके बैठता है और उसके बारे में सोचता रहता है। वैसे ही जानू जब राम के बारे में सोचती है और उसको मिस करती है तब उसके सीट में जाके बैठती है और उसको याद करती रहती है। ये इनके लव को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है, बहुत ही अच्छी तरह से। तो सो एयरपोर्ट का यह सीन देख सकते हो जहाँ पर राम और जानू खड़े हुए हैं और राम और जानू के बीच से एक लाइन खींची गई है। तो सो यहाँ पर देख सको तो यहाँ पर बताया गया है कि राम और जानू का मिलन नहीं हो सकता है, जितनी भी आप कोशिश कर लो। दोस्तों ये दोनों सीन देख सकते हो जहाँ पर जानू राम को छोड़ के चली जाती है, राम यहाँ पर खड़ा हुआ है एक ही तरह से। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि राम के ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया है। जैसे वो पहले जानू को प्यार करता था, आज भी वो जानू को ऐसे ही अपने खुले मन से प्यार करता है और सच्चे मन से प्यार करता है। लास्ट में ये सीन जहाँ पर जानू के जाने के बाद राम जब गाड़ी लेकर जाता है तो उसके पास में देख सकते हो लाइट का इफेक्ट डाला गया है। राम की ज़िंदगी में राम जानू के जाने के बाद वह जो एम्प्टीनेस का फीलिंग हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, उसको अच्छी तरह से यहाँ पर उस लाइट के ज़रिए डिस्क्राइब किया गया है कि उसकी ज़िंदगी कितनी खाली हो चुकी है। दोस्तों ये एक और एक डिटेल है जो आपने मिस कर दिया होगा। यहाँ पर देख सकते हो राम और जानू को लेकर दोस्तों उसके दोस्त जो हैं फिल्म्स और मैरिज करते रहते हैं, जो कि क्रश को लेकर हमने सभी ने किया है। दोस्तों अगर आपने इस गेम के बारे में नहीं पता तो फिल्म्स और मैरिज किया जाता है, तो अगर
काट काट के वो एफ में आ जाता है तो फ्रेंडशिप हो जाएगा उसकी ज़िंदगी, और दोस्तों अगर एम पे आता है तो उनकी मैरिज हो जाएगी। पर उसके दोस्त ये करते रहते हैं पर राम उनको रोक लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हो राम और जानू के नाम के बीच में एक जो है लकीर, यहाँ पर आप देख सकते हो जो राम और जानू के नाम इन्हें होने की एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है। और दोस्तों अगर आप ये फिल्म्स और मैरिज करोगे तो यहाँ पर एफ जाके ख़त्म हो जाएगा, मतलब फ्रेंडशिप उनकी ज़िंदगी होने वाली है। तो अब समय आ गया है कि डार्क थ्योरी से पर्दा हटाया जाए कि डार्क थ्योरी सच है कि नहीं। जहाँ पर उस डार्क थ्योरी में बोला गया था कि जो है जब राम जानू से मिलने जाता है तो जानू को पता था कि राम उससे मिलने आया है, पर वो उसका अवॉइड कर देती है क्योंकि तब तक जानू राम को भुला चुकी होती है। पर रियूनियन के टाइम वो उस बात को नकार देती है और दोस्तों और एक कहानी बना के राम को बहला फुसला देती है। तो यहाँ पर इस थ्योरी के बारे में मैं बोलना चाहूँगी ये थ्योरी पूरी तरीके से झूठ है। जानू भी राम से बहुत ही अच्छी प्यार करती है। इसके टाइम में जो एविडेंस मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये सीन देख सकते हो जहाँ पर जानू राम से जब मिलने जाती है वो राम को चाइल्डहुड राम की तरह इमेजिन करती है, क्योंकि जब लास्ट में उसकी जो मेमोरी थी वो चाइल्डहुड राम को लेकर ही थी। लास्ट में जब राम को उसने देखा था तो वो चाइल्डहुड के राम को ही देखा था, कभी बड़े होते राम को अभी तक नहीं देखा है, तो वो वैसी तरह ही उसको इमेजिन कर रही है। और एक एविडेंस है जब जानू राम से बात करती है तो उसको वो बोलते हैं कि लास्ट में जब मैंने तुमको देखा था तो तुम्हारी एक मुस्टैच भी नहीं, मतलब वो राम को सिर्फ लास्ट में वो ब्रिज पे ही देखी थी, उसके बाद उसने कभी भी उसको नहीं देखा है। तो हो सकता है कि आपकी ये थ्योरी अभी भी मन में बैठी हुई हो, पर इससे ज़्यादा एविडेंस मैं नहीं दे सकता। पर आपको बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इसके बारे में आपको बहुत सारे एविडेंस दे सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या थियरीज़ हैं, आपकी अलग भी थियरीज हो सकती हैं। फिल्म मतलब थियरीज़ आप दोस्तों कोई भी एक थियरीज़ बना सकते हो, फिल्म मतलब स्टोरी आप कोई भी अपनी स्टोरी बना सकते हो, खुद की स्टोरी बता सकते हो। इसी तरह से फिल्म को देखा जाता है, फिल्म के बारे में हमको बातें करनी चाहिए जब फिल्म के असली मज़ा आएगा। और राम और जानू के प्यार को मैं हर बार सलाम ठोकता हूँ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई जानू है तो उसको पकड़ लो, जकड़ लो और कैसे भी इतना मत जाने दो। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। कोई क्वेरी हो या थ्योरी हो आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।